So hello guys, how you all? It's me Love Kaushik and you're watching a YouTube channel Dogs Unboxer. So आज वो वीडियो अपन शूट करने जा रहे हैं जिसकी बहुत डेस्परेटली मांग करी है आप लोगों ने, डिमांड करी है आप लोगों ने. मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि आपको बुकशेल्फ टूर चाहिए थिंक लाइक अ मंकी रिव्यू, तो बुकशेल्फ टूर को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं. तो आज मैं अपना बुकशेल्फ टूर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को और बताने वाला हूँ कि कितनी किताबें हैं मेरे पास, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. तो आओ चलते अपने बुकशेल्फ की तरफ, आ जाओ. सो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या मैं टेकन हूँ या सिंगल हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं टेकन हूँ और मेरा प्यार मेरे पीछे है. मेरे पीछे मेरा प्यार खड़ा है, मेरे पीछे मेरा सब कुछ है अभी तक का. जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे पीछे. सो हाँ, मैं टेकन हूँ विथ माई लव, दिस लव. सो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना टूर देने वाला हूँ, बुकशेल्फ टूर, की कितनी किताबें मेरे पास आ चुकी हैं अभी तक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर 3K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो वेरी मच. मैंने सीरियसली जब जब मैं एक एक के का माइलस्टोन अपन लोग मिलकर के जब पार कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल. मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपन कभी ये चीज़ कर रहूँगा मैं, कभी अपन सब 3K की एक फैमिली बन जाएगी अपनी. एंड थैंक यू सो वेरी मच टू वन एंड एवरी सब्सक्राइबर, बिकॉज आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन, लाल बटन को दबाना होता है, बट मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर को पाना इज़ लाइक अ इट्स लाइक अ फीलिंग जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत आप कह सकते हो कि यूट्यूब पे टाइप ऑफ कोशिश करी है हमेशा अलग अलग चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की, बट अब एक जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो मिल रहे हैं मुझे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. अभी मैं आपको बताता हूँ आपको अपना वर्ड ऑफ द वीडियो. सो टुडेज वर्ड ऑफ द वीडियो इज स्क्रूटिनाइज. इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू लुक और एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली, और हिंदी में इसका मतलब होता है सावधानी से देखना या जांचना, मतलब किसी की एग्जामिन करना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना, उसको स्क्रूटिनाइज कहते हैं. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो. मैं जो शुरुआत में चीज़ें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना, जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, स्किप मत करना वीडियो को. एक मेरी दिमाग से निकल गई थी चीज़ बताना कि 3K की खुशी के अंदर अपन एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और वो व्लॉगिंग चैनल रहेगा. उसमें मैं अपने लाइफ के व्लॉग्स डालूंगा, डेली लाइफ जो मैं करता हूँ, कभी कभार एक्साइटिंग चीज़ें हो जाती है तो वहाँ पे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो चीज़ें, बिकॉज आप लोगों को पसंद है वो सब, ऑफकोर्स पसंद है. तो वो मैं नया चैनल बना चुका हूँ, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, पॉपअप हो रहा होगा, ज़रूर जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना, और नया वीडियो जैसे ही आता है जैसे आपको पता चल जाएगा और उसको ज़रूर देखना. आई होप सो यू गाइस विल लव इट. थैंक यू, वीडियो कंटिन्यू करो. सो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे हैंडल्स हैं इन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपन सब बात कर सकते हैं मिल करके. मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छी डील्स डालते रहता हूँ, अपने वीडियोस के बारे में अपडेट देते रहता हूँ कि कब नया वीडियो आएगा, तो आप जरूर जाके फॉलो कर लेना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो 3K के लिए मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा प्यारा सा अपडेट लाया हूँ आप सभी के लिए. वो अपडेट ये रहेगा, जैसे अपन अभी कुछ पहले वीडियोज से मैंने ये अपडेट स्टार्ट करा था कि मैं वर्ड ऑफ द वीडियो बताना स्टार्ट करूँगा, तो इस अब 3K हो गए. मैंने एक और अपडेट सोचा आप लोगों के सामने रखने के लिए, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे कंसल्ट करा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो. गाइज, आप लोग कमेंट्स में मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हो जिनके कुछ के मैं जवाब दे देता हूँ, कुछ के ऐसे जवाब होते हैं जो बहुत लंबा देना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करना होता है उन सवालों को. तो हर एक वीडियो के अंदर अब मैं एक क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी ज़रूर रखूँगा, जहाँ पे मैं हर वीडियो में से एक क्वेश्चन उठा लूँगा जो मुझे लगेगा कि हाँ बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है और इसको आंसर करना चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन उठा करके वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर भी दे दूँगा. तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो हर वीडियो के अंदर, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं उठा लूँगा आपके क्वेश्चंस और उनके जवाब हर वीडियो में आते आते दे दूंगा. तो अब हर वीडियो के साथ में आपको एक वर्ड ऑफ द वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको एक क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी मिल जाएगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कलेक्शन क्या क्या है मेरे पास में. हर एक बुक के साथ में मेरा एक बहुत बहुत इमोशनल कनेक्शन है, तो इसलिए मैं अपनी बुक से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ. सो अब मैं आपको अपनी बुक्स और बुक शेल्फ का पूरा टूर देता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यहाँ मैंने कुछ थॉट्स जो होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं यहाँ पे लिख करके मैंने थोड़े स्टिक कर रखे हैं, बिकॉज जब भी मैं बुक शेल्फ खोलूँ अपना तो मैं इनको पढ़ूँ और एक अच्छा फीलिंग मुझे, एक अच्छी वाइब जो है वो एक बुक शेल्फ की वो मिले मुझे. तो आप देख सकते हो ये मेरी फेवरेट
थॉट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा हैरी पॉटर सेक्शन जो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसको, तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये मेरा हैरी पॉटर सेक्शन है जो मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था अपने बुक शेल्फ टूर के अंदर। तो मेरा जो पहले वाला बुक शेल्फ टूर, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप ज़रूर जाके वो देखना इसके बाद। तो आप इसके यहाँ पे अपने पास कुछ बुक्स हैं हैरी पॉटर की। सो फर्स्ट बुक जो हैरी पॉटर की, वो हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। सेकंड बुक अपन दिखाते हैं तो हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। तो थर्ड बुक है मेरे पास हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ एस्केबैन, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ऑफकोर्स हैरी पॉटर की सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, एक फीलिंग है हैरी पॉटर बुक्स पढ़ना। और फोर्थ बुक जो है वो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, जो कि काफ़ी मोटी बुक है आप देख सकते हो, और बहुत अच्छी कंडीशंस में मैंने ये बुक रख रखी है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मतलब कुछ कवर नहीं फटा या कुछ ऐसा नहीं हो, बिकॉज मैं जितना हो सके उनको अच्छे से रखने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे थिकेस्ट बुक है इस बुक सेट की, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। इसमें कुछ 1000+ पेजेस हैं। और गाइज ये है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, वन ऑफ माई फेवरेट बुक, और हाफ ब्लड प्रिंस मेरी फेवरेट मूवी भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस। हाँ, एक मुझे कमेंट्स के अंदर एक शायद लड़की थी, उन्होंने मुझे करेक्ट करा था कि हॉलोज नहीं होते, हैलोज होता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस, सॉरी डेडली हैलोस ये बुक का नाम है, और ये रही बुक। तो अब आप देखेंगे तो मेरे पास हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस का फर्स्ट एडिशन भी है, जो मैंने पेपरबैक बॉम्बे से ख़रीदा था। ये न्यू नहीं है, बट इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इसको ख़रीद लिया कुछ 215 रुपीज़ के अंदर, आज तक मुझे रेट याद है। हैरी पॉटर हिंदी बुक्स का ही मैंने कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, जो मैंने पहली बुक खरीद करके स्टार्ट कर दिया, जो कि ये हैरी पॉटर और पारस पत्थर, आप देख सकते हो। इस बुक को मैंने अभी पढ़ा नहीं, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ अभी पहले इंग्लिश के एडिशंस ख़त्म करूँ, उसके बाद हिंदी के पास जाऊँ। ये हैरी पॉटर का प्रीक्वल मान सकते हो जेके रॉलिन की तरफ से, फैंटेस्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड। फैंटेस्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम का ये सेकंड पार्ट है गाइज। फर्स्ट पार्ट मुझे खरीदने का भी टाइम नहीं मिला और पैसे भी नहीं मिले, तो इसलिए मैं अभी सेकंड पार्ट पे रुका हूँ। कवर स्टाइल की मूवी नहीं, इसका एक प्ले हुआ था, उसके बाद इसका कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों ने बोला था कि इसकी मूवी बनेगी, बट दैट वॉज जस्ट रूमर। सो हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, एवरग्रीन बुक, बहुत अच्छी बुक थी। और आप मानोगे नहीं, हैरी पॉटर के सारे पार्ट से पहले मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा था, और मुझे आई जस्ट लव दैट। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक पंख भी रखा हुआ है, जो मेरे पास बहुत समय से है, आई थिंक बहुत ज़्यादा समय से, तो मैं इसको हमेशा यहाँ पे रखता हूँ, और एक अच्छा फील देता है मुझे, एक अच्छी वाइब देता है यहाँ पे रखने के बाद। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है मेरा हैरी पॉटर सेक्शन, मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इस सेक्शन से, मेरा सेकंड मोस्ट लव्ड सेक्शन आफ्टर हैरी पॉटर। ये है सेल्फ हेल्प सेक्शन, और ऑफकोर्स मैं इस सेक्शन को कभी भी बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाता हूँ, बिकॉज वैसे मैं कोई भी बुक को बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाता, गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाता, बट जब भी मैं इस सेक्शन के पास आता हूँ तो मैं एक बार वापस से अपने हैंड वॉश करता हूँ, और बिकॉज यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग वाइब मिलेगी आपको, आप जैसे कि देख सकते हो। सो अब मैं आपको एक एक बुक दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है सेल्फ हेल्प सेक्शन में। सो फर्स्ट है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी, बहुत रिनाउंड बुक है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। द वन थिंग बाय जे पेपरसन एंड गैरी केलर, और इस बुक का रिव्यू भी दे चुका हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर जाकर देखना, ये भी बहुत अच्छी बुक थी। हाउ टू हील अ ग्रैविंग हार्ट, ग्रीविंग हार्ट, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ। तो ये बुक अराउंड 900 रुपीज़ की थी, जो मुझे 89 रुपीज़ में मिली, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था। इसके बाद आते हैं तो अपने पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी, बहुत छोटी सी बुक है, फिंगरप्रिंट क्लासिक की है ये, और बहुत अच्छी बुक थी, मुझे सेल में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली थी इसको। अभी पढ़ी नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ूंगा, और मैंने काफ़ी सारे कोट भी और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है इसमें से, तो या आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। इसके बाद अपने पास में है रश्मि बंसल की कनेक्ट द डॉट्स, इस बुक को मैं एक रिग्रेट मानता हूँ अपना, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ये बुक, और मुझे बिल्कुल भी इसका कनेक्शन नहीं बैठा कनेक्ट द डॉट्स का, बट इट इज़ ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो तो प्लीज़ गो फॉर दिस, बट आई एम नॉट सो मच इन दैट, सो दैट्स वाई शायद मैं इसको आगे चल के पढ़ूं। के बाद है अपने पास में थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, अगेन अ वेरी रिनाउंड बुक, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एंड ये रही मेरी एक ऐसी किताब जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आई गॉट दिस इन बुक सेल, और बहुत कम में मिली मुझे, अराउंड 175 की बुक थी, और रियल है, नॉट अ पायरेटेड कॉपी, आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव इट। एंड या उसके बाद है अपने पास स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक, इसको भी मैंने आधी पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है। पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, माय फर्स्ट सेल्फ हेल्प रीड, और बहुत अच्छी किताब है, इसको मैं वापस कभी पढ़ने की भी कोशिश करूँगा, बट इट इज़ अ गुड बुक, अमेजिंग बुक आई शुड से। सो या देन क्रैकिंग द कोड बाय आयुष्मान खुराना, इट्स अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयुष्मान खुराना।
देन गेट बेटर एट गेटिंग बेटर बाय बाय चंद्रमौली वेंकटेशन. हाँ सॉरी वेंकटेशन, इनके ये एक साउथ का राइटर है, दैट्स वाई थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है. देन फैक्टफुलनेस ऑफकोर्स इन माई टी वी आर ऑफ 2021 एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस वेरी सून. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस. देन एटीट्यूड इज एवरी थिंग बाई जेफ केलर. आई रेड दिस बुक बट हैवेंट मेड एनी रिव्यू ऑन इट बिकॉज ऐसे ही कभी मिला नहीं मौका, बट ऑफकोर्स आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन इट. देन नन अदर देन थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी. भाई इनकी शक्ल देख के आप देखो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही तो बताओ मेरे को, मुझे क्योंकि हमेशा आती है, अभी भी आ रही है मेरे को. जय शेट्टी की बुक है थिंक लाइक अ मंक एंड आई जस्ट लव दिस गाय मैन, आई जस्ट अडोर हिम अलॉट. देन वी हैव ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बहुत भारी इंग्लिश की किताब और इसको मैं इसी साल पढ़ने वाला हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस बुक. या आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस. Of course. Then we have The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma and The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. ये दोनों बुक मैंने, ये वाली बुक थोड़ी पढ़ी थी, इसको मैं वापस पढ़ूंगा. इस बुक को मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, या मैंने पढ़ लिया था आई डोंट नो, बट इन दोनों बुक को मैं बहुत जल्दी पढ़ने वाला हूँ. देन वी हैव लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली बाय अनुपम खेर एन ऑटोबायोग्राफी, और ये साइंड की बुक है मेरे पास में बाय अनुपम खेर सर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यू नो रीड दिस बुक. और जब भी इसके मतलब इसका कवर मुझे बहुत प्यारा लगता है, आप बहुत प्यारा मतलब हाथ लगाओगे ना, टेक्स्चर बहुत अच्छा है इस कवर का. देन कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंग्स, वन ऑफ द टफेस्ट मैन आई एवर नोन. सो या इनको बहुत मतलब बहुत टफ आदमी है डेविड गॉगिंग्स. जब आप बहुत क्रूशियल मोमेंट्स से गुजर रहे हो अपनी लाइफ के तब आप इस बुक को पढ़ो तो आई थिंक उस समय आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट देगी. देन वी हैव सत्यार्थ प्रकाश बाय महर्षि दयानंद सरस्वती. इसको आप बुक नहीं कंसिडर कर सकते, इसको आप एक तरीके से पूरी किसी की लाइफ कंसीडर कर सकते हो. रामायण रामचरितमानस बाय श्री गोस्वामी तुलसीदास, और ये किताब मैं हमेशा रोज़ पढ़ता हूँ. अब आप बोलोगे ये तो पैकेट में आप कैसे रोज़ पढ़ते हो, हमारा जो एक मंदिर है वहाँ पे ये रखी हुई है. इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रख रखा है बिकॉज बहुत अच्छी वाइब्स होती है इनसे. और जय श्री राम. बोलोगे ये क्या है, तो ये कुछ बुक मार्क्स है जो मेरी बहन ने मुझे बना के दिए हैं और मैं इनको हमेशा अपने पास में रखता हूँ. सो नाउ फिक्शनल बुक्स का जॉनरा यहाँ पर है अपने पास में, तो अब मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ बुक्स बताना वरना वीडियो आधे घंटे से ही बड़ा हो सकता है. सो फर्स्टली वी हैव ओरिजिन बाय डैन ब्राउन, देन नन अदर देन एल्केमिस्ट, वो भी हार्ड कवर के अंदर. देन वी हैव द कैचर इन द राय बाय जेदी सेलिंगर. देन वन ऑफ माय रिग्रेट्स गून गर्ल बाय जिलियन फ्लिन, और ये बुक मुझे बहुत समय से पढ़ने की कोशिश करनी थी बट सॉरी मैं क्विट कर चुका हूँ इस बुक को. देन वी हैव सुहेलदेव बाय अमीश त्रिपाठी सर, और ये बुक बहुत अच्छी थी, मैंने इसका रिव्यू भी दे रखा है. देन थ्री बुक्स ऑफ अगाथा क्रिस्टी, मर्डर ऑफ ओरिएंट एक्सप्रेस एंड द वर्नन और मर्डर ऑन रोजरेक रोड. ये तीनों पायरेटेड हैं, नहीं है इसको छोड़कर, ये दोनों पायरेटेड और तीनों फ्री में मेरे पास है. अब क्यों है ये वीडियो देख लेना और आपको पता चल जाएगा. एंड इट इज़ माई करंट परचेज हैमलेट अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, और बहुत अच्छी बुक होने वाली है. इट वॉज फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, सो मैंने इसको खरीद लिया और जल्दी पढ़ूंगा. देन द थिकेस्ट बुक ऑफ द बुक शेल्फ It by Stephen King. Then here we are with 13 Reasons Why by J. Asher. Then The Complete Novels of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. Iska review bahut zyada desperately mang rahe ho, jaldi mil jayega. Then we have The Little Prince by Anthony de Exupery, Saint-Exupery, or The Canterville Goes by Oscar Wilde. Then two books from romance genre, 5 Feet Apart by ab author ke naam hi padh lo, ye rahe author ke naam, aur The Fault in Our Stars by John Green. Then here we are with Daredevils, A Startup of Superheroes by Karthik Sharma and Ravi Nirmal Sharma. अगर आप मुझसे पूछोगे बुक क्या है तो I seriously don't know, बस मैंने खरीद ली थी. Then we have A Gathering of Friends, My Favorite Stories by Ruskin Bond. और इसके अंदर रस्किन बॉन्ड की कुछ फेवरेट स्टोरीज हैं, अराउंड 20 or 25 स्टोरीज है इसमें रस्किन बॉन्ड की, जो बहुत अच्छी अच्छी, और मैंने कुछ पढ़ भी रखी है उसमें से. सो इट इज़ अ गुड बुक. Then we have Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe by Benjamin L.R.I. Sands. And iska review maine bahut recently dala apne channel pe, to link aa raha hoga, zarur jaake dekhna wo bhi aap log. Then we have The Diary of a Young Girl by Anne Frank. Aur ye book maine kabhi puri nahi padhi hai. Aur ye ek choti si comic kitab hai, ye maine pata nahi kab khareedi thi, to maine bookshelf mein rakh rakhi hai. Aur is kitab ko hum pyar se granth bhi bolte hain. The Casual Vacancy by J.K. Rowling. Aur ऑफ़ कोर्स ये एक बोरिंग किताब है. तो अब बढ़ते हैं अपन अपने हिंदी के सेक्शन पर. हिंदी का सेक्शन थोड़ा छोटा है मेरा, तो उस पर मुझे प्लीज़ बोलना मत कुछ, बिकॉज में मुझे कभी हिंदी का बुक्स खरीदने का टाइम नहीं मिलता था और मुझे पता बाद में चला, ये आप कह सकते हो. तो फर्स्ट वी हैव मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन. इट इज़ अ प्ले ऑफ कालिदास,
और इट इज़ अ गुड प्ले, मैंने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। देन वी हैव अर्थला बाय विवेक कुमार, बहुत रिनाउंड बुक हो चुकी है ये भी और बहुत अच्छी बुक भी ऑफ कोर्स। देन वी हैव आवाहन खंड 1 एंड स्तुति खंड 2। तो आवाहन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और स्तुति पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ये भी बहुत जल्दी पढ़ूंगा। बहुत अच्छी किताब थी आवाहन, आई रिकमेंड यू ऑल गाइज, प्लीज़ गो फॉर इट और ज़रूर पढ़ो हिंदी के जॉनरा के अंदर इस बुक को, और स्तुति फिर आप खुद ही पढ़ लोगे। देन वी हैव गांधी वध क्यों बाय गोपाल गोडसे, नाथुराम गोडसे थे उनके बेटे हैं और उन्होंने कुछ खत जो थे नाथुराम गोडसे के वो इसके अंदर लिख रख रखे हैं कि गांधी वध क्यों हुआ था। ये बुक मैंने जब मैं कोई ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक रेलवे स्टेशन से खरीदी थी और बहुत अच्छी किताब है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट दे रखे हैं अबाउट कि गांधी वध क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए था। देन वी हैव गोदान बाय प्रेमचंद, और प्रेमचंद की वन ऑफ द रिनाउंड बुक है ये गोदान। एंड हियर वी गो विद गबन बाय प्रेमचंद, ऑफ कोर्स इंग्लिश की एक बुक बताना भूल गया था, द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस, ये ऊपर रखी हुई थी यहाँ पर इस तरफ तो इसलिए मैं बताना भूल गया। बाकी अगर आप शेल्फ में देखोगे गाइस, सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी और जगह है, तो अगर मैं बुक्स को लगाना चाहूँ तो आगे और पीछे ऐसे भी लगा सकता हूँ, बट अभी मैंने ऐसे ही लगा रखी है। जब बुक्स एक्सेस में हो जाएगी तो मैं ऐसे लगाने की कोशिश करूँगा। इस सेक्शन पर आओगे तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ ज़्यादातर मैंने वो बुक्स रखी है जो मुझे रिव्यू के लिए मिली थी और जो ऑफकोर्स स्पॉन्सरशिप के लिए मिली थी, तो आप वो देख सकते हो। लाइक ये वाली बुक मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं मिली बिकॉज एच जी वेल से मेरा कुछ भी रहा आता नहीं है। पीयूष रोहंकर सर की प्लेजेंट एस्केप, दीपक श्रीवास्तव सर की लव सो स्पेशल एंड हेयर वी गो विथ चमकते फूल महकते तारे, ग्रेट गैट्स भी मुझे मतलब मैंने खरीदी थी यहाँ पे ऐसे ही रख रखी है। और ये जो दो बुक हैं ये भी इनका रिव्यू मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ बिकॉज दे आर ऑल्सो आप कह सकते हो कि रिव्यू के लिए मुझे मिली है। विजुअल डिक्शनरी, जैसा कि आपको पता होगा विजुअल डिक्शनरी क्या होती है, तो वो है ये। और अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पूरा मैस हो रखा है, कचरा नहीं बोलूँगा इन सब चीज़ों को, मैस हो रखा है। ये कुछ मेरी किताबें हैं पढ़ने की, कुछ यहाँ पे मेरे फ्लिपकार्ट के डब्बे रखे हैं जिसके अंदर मैंने बुकमार्क्स और बिल्स रखे हैं। मुझे बिल्स और बुकमार्क कलेक्ट करने का बहुत गंदा शौक है इसलिए मैं उन सबको कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे मेरा ट्राईपॉड और कुछ सामान मिलेगा जो मेरे से रिलेटेड है, उसको छोड़ के वो मैं कुछ नहीं करता उससे। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द फुल टूर ऑफ माई बुक शेल्फ। सो गाइज ये था अपना बुक टू, आई होप सो सबको बहुत पसंद आया होगा। और गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखना, प्लीज़ आप कोई भी बुक खरीद मत लें कि लव के पास में तो अपन भी खरीद लेते हैं, बिकॉज सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो प्लीज़ मुझसे पहले पूछ लेना कि मैं आपको उस बारे में बता दूँ, कि ऐसा नहीं कि आप बुक खरीद लो आपको पसंद नहीं और आपके पैसे वेस्ट जाएँ। तो कुछ भी बुक ऐसे मत खरीद लेना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा उस चीज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को तो शेयर करना बनता है यार, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी करते रहना। अभी तो 3K का टारगेट पहुंचा है अपन, अभी बहुत आगे जाना है अपन सबको मिलकर और बहुत हाइट्स, बहुत सारे माइलस्टोन अपन को अचीव करने हैं। ये सब तो अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, बट इस पर भी अपन को वो कहते हैं कि अपन सक्सेस की तरफ बढ़ते तो रहते, लेकिन कभी कभार बैठ करके अपन को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि अपन कितना आगे आ चुके हैं। सो वही ये पल है अपने लिए अभी, बट अभी अपन को और आगे बढ़ना है और आगे चलना है और अपन सबको अपनी फैमिली को और एक्सटेंड करते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द लव, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, योर अनबॉक्सर, बाय बाय। चल चल भाई, ट्यूशन के लेट हो गए, जल्दी चल।